गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। यति ने इस बार महात्मा गांधी पर टिप्पणी की है। यति ने महात्मा गांधी को हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार बताया है। यही नहीं, यति कहते नजर आ रहे हैं कि वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे। फिलहाल पुलिस ने यति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। चलाने वाले हैं, ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है, और आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल में जा रहे हैं। तो हम एक अभियान चलाने वाले हैं पूरे देश में, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर करने वाले हैं कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने। हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे और ना ही मानते हैं। तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दे रखी है? राष्ट्रपिता कैसे हो गया? ये राष्ट्र जो लाखों साल पुराना राष्ट्र है, एक अभी थोड़े दिन पहले जन्मा हुआ आदमी इसका पिता कैसे हो गया? आप उसे राष्ट्रपुत्र बताओ, राष्ट्र भाई बताओ, उसे राष्ट्रभक्त बताओ, राष्ट्र का सपूत बताओ तो चलता है भाई। चलो किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन पिता कैसे हो गया वो भारत राष्ट्र का? हम शिव को मानने वाले, हम शक्ति को मानने वाले, हम राम के अनुयायी, हम कृष्ण के अनुयायी, हम आचार्य चाणक्य के अनुयायी, बाबा परशुराम के अनुयायी, कैसे मान लेंगे उसे अपना बाप? तो उसको तो शुरू से ही महात्मा गांधी ने शुरू से कब से, जब से कांग्रेस का राज है तब से कही गई है। ये कांग्रेसियों का पाखंड है। कांग्रेस जो अंग्रेजों की बनाई हुई एक संस्था थी, जिसने देश को आजाद नहीं होने दिया, उस संस्था का पाखंड है। हम पे क्यों थोप रहे हो भाई, हम पे क्यों थोप रहे हो? हमारी क्या गलती है? कहते हैं कि आजादी गांधी जी की वजह से हमें मिली है। बहुत बढ़िया। और जो लोग फांसी पे चढ़ गए, गांधी तो औरतों के साथ सोता रहा, उसकी अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अंग्रेजों के साथ बैडमिंटन खेलता रहा, उसने तो आजादी दिलवा दी। और जो लोग फांसी पर चढ़ गए थे वो क्या थे? जो लोग जेल में गए वो क्या थे? जिन्होंने यातनाएं सही वो क्या थे? जो काले पानी में कोलू पेल रहे थे वो क्या थे? गांधी, अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों का दलाल, उसने आजादी दिलवा दी। इसकी भूमिका की तो जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि गांधी जी के खिलाफ अभियान चलाएं, किस तरह का अभियान होगा? 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करूंगा कि